जंगल की आग क्या है, जंगल की आग के क्या कारण है? नवंबर 2020 से जून 2021 तक 3,45,989 फॉरेस्ट फायर्स हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कंट्रोल कैसे करें, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। इस बात पे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम सब है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से जंगलों में ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है और हमारे ही केयरलेसनेस की वजह से ये आग लग जाती है। इसके साथ ही लॉजिंग और हंटिंग में यूज की जाने वाली टूल्स की वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है। आजकल लोगों को ट्रैकिंग और कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, जिसके कारण यह एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ गई है। वो कैंप फायर लगाते तो है लेकिन अच्छी तरह से केयर नहीं करते, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट बिग फैक्टर है क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर बढ़ रही है, रेन पैटर्न चेंज हो गई है, गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि लैंड ड्राई हो जाता है और इससे फॉरेस्ट फायर होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थंडरिंग की वजह से आग ऐसी जगहों में लग जाती है जहां फायर सप्रेशन इक्विपमेंट एंड पर्सनल का पहुंचना मुश्किल होता है। अब क्वेश्चन है कि हम कैसे प्रिपेयर रहे। तो फॉरेस्ट फायर्स मोस्टली फेब से जून के बीच में होती है, तो जिस तरह साइक्लोन आने से पहले हम कोस्टल एरियाज के आसपास में रहने वाले लोगों को विकेट करते हैं, उसी तरह हम इसमें भी फेब से पहले ही वहां से लोगों को विकेट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। सेकंड, हमारे पास वो सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स पहले से ही होने चाहिए जो डिटेक्ट करते हैं कि फॉरेस्ट फायर लग सकती है। जंगल में आग पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नियुक्त होनी चाहिए। उन्हें सारी एक्टिविटीज पे खास ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली पीक टाइम पर पोचिंग, हंटिंग, कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज पे भी खास ध्यान देने की जरूरत है। तो सही स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग से हम फॉरेस्ट फायर को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, पर इसके लिए हम सबको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।